गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। इस सामान्य स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रोवाइड किया था, क्लास सिक्स हिंदी ग्रामर का हिंदी व्याकरण, मैंने एक से लेकर के थर्ड चैप्टर तक शब्द विचार तक आपके बीच में प्रोवाइड किया था। अब इस चैप्टर में अध्याय फोर में हम बात करेंगे वाक्य विचार। आपने वर्ड जाना, स्वर जाना, व्यंजन जाना, फिर इसके बाद वर्ण विचार के बाद आपने शब्द विचार जाना। शब्द विचार के बाद आते हैं हम वाक्य विचार पे। इस वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगर कोई शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसके प्रकार के बारे में आगे देखते हैं कि इसके प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिरकार इसका प्रकार कितना है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय के बारे में भी हम जान लेते हैं कि जिसके उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके लिए कुछ कहा जा सकता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीमा आज घर पर है, सीमा आज घर पर है, तो सीमा जो है इसके बारे में बात की जा रही है। तो सीमा जो है यह क्या है, उद्देश्य है, और बाकी सीमा को छोड़कर के बाकी जितना भी है ये क्या है, विधेय है, ठीक है। समझ में आ गया, विधेय और उद्देश्य आपको समझ में आ गया। यानी जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, वह उद्देश्य हो गया और बाकी जो है वह विधेय हो गया। चलिए देखते हैं कि रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं, क्या होता है, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो वह साधारण वाक्य कहलाता है। यानी जो आपने उद्देश्य और विधेय के बारे में अभी जाना, तो ऐसे वाक्य जिसमें सिर्फ सिंगल एक विधेय हो और एक उद्देश्य हो, ऐसे सेंटेंस साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप घर पर कब लौटेंगे, आप घर पर कब लौटेंगे, वह कल दिल्ली जाएगा। ये जो आप घर पर है, यानी आप, ये जो क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, एक ही उद्देश्य है, घर पर, घर कब लौटेंगे, तो ये घर कब लौटेंगे, ये क्या हुआ, विधेय हुआ। तो सिंगल सिंगल दोनों में, यानी इसमें भी इसमें भी, इसमें उद्देश्य वह है, वह दिल्ली जाएगा, ये विधेय है। तो सिंगल विधेय है, सिंगल उद्देश्य है दोनों सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है साधारण वाक्य कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है, समानता के आधार पर जब दो वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, राम पढ़ता है एक सेंटेंस यह हुआ, श्याम खेलता है एक सेंटेंस ये होगा। लेकिन इसके बीच में जो और लग गया है, ये और बीच में आकर के इन दोनों सेंटेंसों को आपस में मेल कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, अतः यह पूरा सेंटेंस जो होता है यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्योंकि जब दो सेंटेंस आपस में जोड़े जा रहे हैं तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, ऐसे सेंटेंस संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। बाकी बात समझ में आ गई, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य में जिस वाक्य में मुख्य या प्रधान वाक्य एक हो, मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य एक हो तथा आश्रित उपवाक्य उसके अलावा जो वाक्य है एक अथवा एक से अधिक हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, मैं जानता हूँ कि उसने अपना काम समय पर नहीं किया, मैं जानता हूँ तो उसने अपना काम समय पर नहीं किया। बात समझ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि उसने अपना काम समय पर नहीं किया, तो मैं जानता हूँ ये क्या है,
प्रधान वाक्य है, ये क्या है मुख्य वाक्य है, इसके अलावा बाकी जो है ये उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य है। ऐसे सेंटेंस मिलकर के मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। मिश्रित मतलब मिलना आपस में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं अभी आपने देखा रचना के आधार पर, अब हम बात करते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद होते हैं, उन आठों के बारे में हम धीरे धीरे करके जानते हैं। पहला हम देखते हैं साधारण वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे क्रिया का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्रिया का मतलब जो कार्य हो, जिसमें कार्यों का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जैसे मोहन मैच खेलता है, यानी इसमें खेलने की क्रिया हो रही है, या मोहन मैच खेल रहा है तो यानी यह एक ही क्रिया है इसमें खेलना, ठीक है। तो ऐसे वाक्य साधारण वाक्य हैं जो हम आमतौर की भाषा में बोलते हैं या लगभग साधारण भाषा ही हम प्रयोग करते हैं ज्यादातर। दूसरा निषेध या नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेध नकारात्मक वाक्य का मतलब ही होता है कि जिसमें नहीं लगा होता है, जिन वाक्यों में कार्य का प्रकट न हो रहा हो उसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। नकारात्मक शब्द नहीं, नकारात्मक वाक्य, यहाँ पे लिख लीजिए आप नकारात्मक वाक्य, ठीक है, यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है, ठीक, समझ में आ गई बातें। यानी जिन वाक्यों में कार्य का प्रकट न हो रहा हो, जिन वाक्यों में कार्य का प्रकट न हो रहा हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसमें जो नहीं है यह नहीं क्या हो रहा है, नकारात्मक या निषेध पैदा कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम अगली हेडिंग हम देखते हैं कि आखिरकार अगली हेडिंग क्या है। इस अगली हेडिंग के बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला आपने पढ़ा साधारण वाक्य, दूसरा पढ़ा निषेध या नकारात्मक वाक्य। और तीसरा हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। पहला साधारण वाक्य पढ़ा, दूसरा आपने निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य पढ़ा, तीसरा हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर चिन्ह आप प्रयोग नहीं करते हैं तो वह आपका प्रश्नवाचक वाक्य नहीं माना जाएगा, वह वाक्य आपका रॉन्ग माना जाएगा, सेंटेंस वह आपका गलत होगा अगर चिन्ह आप नहीं प्रयोग करते हैं तो यह चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसा वाक्य आप लिखते हो वैसा चिन्ह आपको प्रयोग करना बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल, आप कौन हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, यह प्रश्न पूछा जा रहा है ना, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, बात समझ में आ रही है। अब चौथा हम बात करते हैं आदेशात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा परामर्श या निवेदन किया जा रहा हो, आज्ञा परामर्श या फिर निवेदन किया जा रहा हो उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यह आज्ञा दिया जा रहा है कि आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। चलिए विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य शोक या हर्ष आदि भाव प्रकट हो रहे हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे यह क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया, इसके आगे आप विस्मय आदि बोधक का चिन्ह इसी प्रकार से रहता है, एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदु। अगर आप यह प्रश्नवाचक चिन्ह ही, जैसे अगर यह चिन्ह भी आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वह गलत होगा। इसलिए जहां पे जैसा सेंटेंस हो वहां पे आपको उचित सेंटेंस के अनुसार चिन्ह का प्रयोग करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदु।
अब चलिए हम बात करते हैं अगला संदेहवाचक भाव। इतना समझ में आ ही गया होगा आपको, जहां पे आपको दुविधा होगी, संदेह होगा, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखते हैं संदेह वाक्य, संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य के होने में शंका या संदेह प्रकट हो रहा हो, शंका या संदेह प्रकट हो रहा हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे कहते छूट गया है, आप यहाँ पे डाल लीजिए कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद सोहन आज दिल्ली से आ जाए, शायद सोहन आज दिल्ली से आ जाए, यानी यह निश्चित नहीं हो रहा है, अभी संदेह किया जा रहा है, शंका प्रकट किया जा रहा है, शायद हो सकता है आ जाए, क्लियर नहीं है, गारंटी नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है आ जाए, है ना। तो ऐसे सेंटेंस संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट है सातवां इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा या शुभकामना या आशीर्वाद प्रकट हो रहा हो, प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, यह क्या हो रहा है, यह यानी एक तरीके से शुभकामना दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, अपनी इच्छा जताना, जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसों के माध्यम से इच्छा प्रकट किया जाए, ऐसे सेंटेंसों में इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। लास्ट है संकेत वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता हो, उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि सोहन लिख दे तो काम बन सकता है, यदि सोहन लिख दे तो मेरा काम बन सकता है ना, कोई चाहता है मेहनत करना, ये क्या है, संकेत वाचक है, ये संकेत दिया जा रहा है, यदि सोहन लिख दे तो काम बन सकता है। बात समझ में आ गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और यह चैप्टर पूरा एंड भी हो गया। आप इसे अच्छे से नोट भी कर लें, नोटबुक पे, एयर कॉपी पे नोटबुक अच्छे तरीके से साफ और सुंदर राइटिंग में आप राइट कर लीजिए। इसके बाद उसे आप धीरे धीरे लर्न भी करते रहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग, सो थैंक यू वेरी मच।